मित्रों, जीवन के रहस्य अगर जानना चाहते हो तो आपको सपनों के रहस्य जानना आवश्यक होगा, क्योंकि स्वप्न ज़्यादा रहस्यवान होते हैं हमारे इस जागृत की अवस्था से। हम तो केवल इस जागृत की अवस्था को ही सच मानते हैं। अगर कहें तो हम 24 घंटे जो जीवन होता है उसमें कुछ 8-10 घंटे को ही जीते हैं, उसी को ही सच मानते हैं। बाकी दुनिया में, बाकी समय में या हम सोए हुए होते हैं या विचार कर रहे होते हैं मन मन। तो ऐसा हुआ, एक भिखारी अपने को सम्राट कहने लगा। तो लोगों ने पूछा, तो अपने को सम्राट क्यों कहते हो? वो कहने लगा कि मैंने रात स्वप्न में, मैं स्वप्न में सम्राट होता हूँ या मैं सम्राट होने का स्वप्न देखता हूँ लगातार, इसलिए मैं 24 घंटे के दिन में दस बारह घंटे सम्राट हो जाता हूँ, आधे दिन में सम्राट हो जाता हूँ, और मन में भी ऐसे ही ख्याल आते हैं और स्वप्न में भी यही देखता हूँ। तो जिसको आप सम्राट कहते हैं, आपके देश का जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो भी दिन के कितने घंटे प्रधानमंत्री हैं आप देखें। जब वो सोते हैं रात तो वहाँ तो प्रधानमंत्री होते नहीं, वहाँ तो उनको स्वप्न दिखाई देता है कि वो भिखारी हो गए या चोर हो गए या कोई बाघ उनको अटैक कर रहा है, इस तरह का स्वप्न दिख रहा है। तो दिन के घंटों के हिसाब से आप देखें तो आपके प्रधानमंत्री या सम्राट से ज़्यादा मैं सम्राट हूँ। तो वो भिखारी जो कहता है ना, ये सच बात है, क्योंकि हमारा जो जागृत का अवस्था है वो क्षणिक होता है और वो स्वप्न में जा नहीं पाता, इसलिए हमको जागृत अवस्था में हम रह नहीं सकते। सत्य तो मानते हैं इस जागृत अवस्था को, इस जागृत अवस्था में जो हम हैं, जो पोजीशन है, जो हमारी क्षमता है, योग्यता है, समाज में जो हमारी पहचान है, वो पहचान सब 24 घंटे के दिन जीवन में, दिन में कुछ 8-10 घंटे के लिए होता है, और बाकी समय हम या मन के विचारों के पीछे अचेतन में प्रवेश करेंगे या स्वप्न में, रात स्वप्न देखने में प्रवेश करेंगे। तो आदमी का बड़ा हिस्सा स्वप्न से जुड़ा हुआ है। जो दिखाई पड़ रहा है वो बाहर से प्रधानमंत्री तो हो रहा है, मगर भीतर से वो कितने दिन के कितने घंटे हो रहा है ये देखना होगा, कितने समय वो जागृत में रह रहा है, और जहाँ वो जागृत में नहीं रहा है वहाँ क्या देख रहा है। अगर वहाँ वो भिखारी देख रहा है अपने को, तो हो सकता है कोई एक प्रधानमंत्री स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में अपने को भिखारी महसूस कर रहा है, तो लोगों के सामने भीख मांग रहा है और लोग उसको भिखारी कह रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहा है। तो एक प्रधानमंत्री भी ऐसा स्वप्न देख सकता है, तो उसका प्रधानमंत्री का होना वहाँ तक जा नहीं पाया। तो हमारी जो नाप तौल की दृष्टि है उसमें हम जो जागृत में हमको घटना घटित होती है उसी का हम मूल्य देते हैं, जो स्वप्न में जो घटना घटित होती है उसका हम मूल्य देते नहीं, जो मन में विचार चलते हैं उसको हम मूल्य देते नहीं। हम कहेंगे ये मन की बात किसी के साथ करनी नहीं है, तो बाहर जो हम आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, उसी की बात करेंगे। मगर स्वप्न आपको ये रहस्य बता सकता है कि आप अगर स्वप्न को देखो और उस पर विचार करो तो आपको झूठ महसूस होगा, और इसी तरह दिन में जो आप अनुभव कर रहे हो जागृत अवस्था में, उसको भी आप झूठ जानोगे, उसको भी आप स्वप्न जानोगे। स्वप्न आपको, उस स्वप्न को भी स्वप्न बना देगा जो आप दिन में, जिसको आप जागृत कहते हैं।
स्वप्न में आप भिखारी हो और दिन में आप राजा हो। तो जब आप भिखारी में चले जाते हो या स्वप्न में चले जाते हो, वहाँ तो आपको पता नहीं कि एक दिन की दुनिया भी है और उस दुनिया में आप सम्राट भी हो, और आपको घबराने की बात नहीं क्योंकि आप स्वप्न देख रहे हो। तो जब आप स्वप्न से जग जाओगे और फिर आप तो जागृत दुनिया का सम्राट हो जाओगे, तो क्यों घबराना। तो इस तरह का विचार स्वप्न में नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो स्वप्न ही नहीं देखेगा। जब हम जान जाते हैं कि ये स्वप्न देख रहा हूँ मैं, तब अचानक ही स्वप्न बंद हो जाता है। तो स्वप्न का अस्तित्व भी इसी तरह सच है जो हमारा दिन का अस्तित्व सच है। जिसको हम दिन को सच मानते हैं, ऐसे ही स्वप्न को भी सच मानना होगा, क्योंकि ये समान तल की व्यवस्था है। मगर हम मानेंगे जो दिन की व्यवस्था है उसी को सच मानेंगे, उसको झूठ मानेंगे। मगर जब हम स्वप्न में जाएंगे वहाँ, तो हम इसको भी झूठ मान जाएंगे, है ना। तो इसलिए बात तो बनती नहीं कहीं से भी कि स्वप्न किसी भी तरह आपकी जागृत की दुनिया से अलग है या उससे कम है, कम महत्वपूर्ण है। तो ऐसा तो होता नहीं। मगर अगर ये भी स्वप्न जैसी ही अवस्था है, तो हम जैसे स्वप्न में जाग सकते हैं, ऐसे हम जागृत में भी जाग सकते हैं। तो इतनी बड़ी सीख हम स्वप्न से ला सकते हैं। तो जीवन का रहस्य स्वप्न से हम जान सकते हैं। जिस जागृत दुनिया को हम सच मान रहे हैं, ये भी उसी तरह स्वप्न है। जैसे रात में हम देखते हैं वो एक ही चीज़ है, और हम स्वप्न में जब हम जागते हैं तब वो दुनिया खो देते हैं और सच की दुनिया आ जाती है। ऐसे ही जिसको हम अभी जागृत की अवस्था कह रहे हैं, इसमें भी हम जाग जाएं, तो इससे बड़ी कोई और चेतन की दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। तो ये रहस्य स्वप्न से पता चल जाता है। और स्वप्न भी बहुत तरह के हैं, बहुत तलों के हैं। आप रात में नींद स्वप्न देख रहे हो चित्र के रूप में भीतर, तो स्वप्न का एक तल हो गया। आप देख नहीं रही हो, केवल मन में विचार कर रहे हो और सोए भी नहीं, तो उस तरह भी आपको उसका अनुभव होता ही रहेगा। तो ये भी एक तल हो गया स्वप्न के। स्वप्न का अर्थ होगा कि आप जो देख रहे हो, जान रहे हो, वो आपके द्वारा ही निर्मित है, वो सच नहीं है। जैसे रात में आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न आपने देख लिया कि आपकी जो मृत दादी है वो आ गई जिंदा होकर, और आपको उन्होंने बात की तो आप घबरा गए। आप कहने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मृत आदमी कैसे आ गई, हो नहीं सकता। तो और लोग भी, आपके माँ बाप, आपके भैया, वो सब आ गए और सभी लोग कह रहे हैं ये कैसे संभव है, ये तो मृत थी, जिंदा होकर कैसे लौट आई। तो आप सब कह रहे हैं वहाँ पर, और ये बात असम्मित आपको लग रही है। मगर जब आप जागोगे, तब अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर जो आपने दादी को देखा, ये असम्मित बात उतनी ही हुई जितने आप भी वहाँ पर गए। दादी का आना ही स्वप्न नहीं है, आपका भी वहाँ जाना स्वप्न है। और दादी जो है वो आप ही है, और कोई दादी, आप ही के भीतर से दादी आई। तो आपके जो भैया दादी से बात कर रहे हैं और असम्मित हो रहे हैं, और वो दादा का जो अचम्मा होना है वो भी आपका ही अचम्मा है। वहाँ किसी और की दुनिया नहीं, आपकी ही दुनिया है, मगर आप दिख रहे हैं और की दुनिया भी, और आदमी भी देख रहे हो, और वो लोग भी खुद भी एक एक अलग अलग अस्तित्व को सराब बैठ रहे हैं, और उनकी अपनी दुनिया, और उनकी दुनिया आपकी ही दुनिया है। तो आप अकेले ही हो वहाँ, और जो भी देख रहे हो वो आपके मन के धारणा से ही आ रहा है, और बाहर से कोई भी नहीं आ रहा, और वो सत्य नहीं है, झूठ है।
क्योंकि जब आप जगोगे तब ये झूठ हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, अब कोई भी नहीं बचेगा और आप भी नहीं बचोगे। स्वप्न में जो स्वप्न देख रहे थे ना आप भी नहीं बचोगे, तो दादी भी खो जाएगी तो आप भी खो जाएंगे। आपका होना भी स्वप्न में दादी की ही तरह झूठ होगा। तो जब आप जगेंगे दूसरे आदमी जगेंगे, तो वो आदमी तो नहीं जगेंगे ना, वही अचंभित होता हुआ आदमी जिसने अपनी दादी, मृत दादी को देख लिया। तो इसका अर्थ ये है स्वप्न में हम खुद ही होते हैं और जो भी दिखाई देता है हमारे भीतर से ही दिखाई देता है और बाहर कुछ होता नहीं, हमारे बिल्कुल काल्पनिक। दादी है, भैया है, वो सब भी मैं ही हूँ और कोई है नहीं। तो ये स्वप्न है, इसको स्वप्न कहेंगे। और जिसको हम जागृत कहते हैं ये अवस्था भी क्या ऐसी ही नहीं है, इसको हम देखना है तो ही जीवन का रहस्य आपको मालूम होगा कि जीवन कितना रहस्यपूर्ण है। तो इस जागृत अवस्था में भी हम हैं, हम जा रहे हैं और देख रहे हैं, और रिलेशनशिप में बहुत सारे, कोई दादा है, कोई भैया है, कोई पत्नी है, बेटा है, बॉस है, ग्राहक है, कस्टमर है, तो ये सभी लोग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और ये सबकी अपनी अपनी दुनिया है। और क्या ये सभी चीज़ भी आपसे ही, आपके ही भीतर से नहीं आ रहा? क्या आपके बेटे और आपके पत्नी भी ऐसे ही आपने नहीं बनाया है उसको देखना? जैसे रात में आपने दादी को खुद ही बनाया है, तो ऐसे ही दिन में भी आपने पत्नी को बनाया है। और आपने पत्नी को कैसे बनाया है? आप खुद के विश्वास के कारण, आपने मान के रखा है कि ये पत्नी है और इसको किसी के साथ बोलना नहीं है, मेरे साथ ही रहना है और किसी दूसरे की नहीं, मेरी ही है, तो मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप मान के रखे हैं। तो ये मानने के कारण आप जिसको देख रहे हैं पत्नी के रूप में, वहाँ पर वो पत्नी नहीं है, आप स्वप्न देख रहे हैं। हाँ, वहाँ पर है, अस्तित्व है, आपकी पत्नी नहीं है, कोई महिला भी है, वो आपकी पत्नी जैसे आप सोच रहे हो ना, उस किस्म की पत्नी वहाँ पर नहीं है ना। बातों को समझना है। जो हम मान रहे हैं ना, चीज़ तो है, मगर उसके बारे में जो हम मान रहे हैं वो बात हमारे भीतर से ही निकल रही है। आप जिसको अपना बॉस कहते हैं, वो बॉस कैसे हुआ? आपके मान्यता का कारण ही वो बॉस हुआ। आपने मान के रखा है ना कि बॉस है, इसके आदर करना है, इसने जो कहा वो मानना है, आज्ञा का पालन करना है, तो रेस्पेक्टेड है, और इस तरह आपने व्याख्या करके रखा है। तो इस व्याख्या से जो आप उस आदमी को देख रहे हो वो एक स्वप्न है, वो आपके भीतर से ही आया। ऐसा नहीं है कि वो आदमी नहीं है, वो आदमी है, मगर वो आदमी को आप क्या जान रहे हो वो सच नहीं है ना। वो आदमी को कोई दूसरे किस्म से जान रहा है। जैसे उस जिसको आप मालिक कहे तो उसका भी कोई मालिक होगा, तो उस मालिक के आगे वो, और उसका मालिक का मालिक जो होगा वो उसको इसी तरह देख रहा होगा जो वो आपको देख रहा है। तो झूठ है ना, जो आपने मालिक को देख के जो अनुभव किया वो अनुभव आपका स्वप्न है, क्योंकि वो अनुभव सच नहीं है, क्योंकि वो अनुभव और कोई नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हैं। और उसका बेटा भी है, उसकी पत्नी भी है, और उसका बेटा, उसकी पत्नी, उसको जब देखेंगे तो आपके जैसे तो वो देखेंगे नहीं उसको, तो वो अपना स्वप्न से उसको देखेंगे। तो हम अपने स्वप्न से चीज़ों को देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि इस जागृत व्यवस्था में भी हम ही है, हमारे से ही सभी कुछ आ रहा है, और ये झूठ है, और इससे हम जग सकते हैं। और इससे जगने के बाद जो आपको अनुभव होगा वो तीसरा किस्म का कोई अनुभव होगा, ना स्वप्न का जैसा होगा, ना जागृत का जैसा होगा, और चेतन होगा। और उसी अनुभव को कहते हैं वो सत्य है, सत्य का अनुभव होना चाहिए ना, क्योंकि आपको तो जागृत में भी स्वप्न का ही अनुभव हो रहा है,
स्वप्न में स्वप्न का अनुभव हो रहा है, जागृत में भी स्वप्न का ही अनुभव हो रहा है, तो आपको सत्य अनुभव नहीं हो रहा, आपको झूठ अनुभव हो रहा है। तो सत्य का अनुभव का अर्थ क्या है कि आपके भीतर अब वो स्वप्न टूट गए तो उसमें से आप जग गए, तो आप जैसे स्वप्न में जग गए थे और जागृत में आ गए थे, ऐसे जागृत और स्वप्न दोनों में से आप जग गए, इसको जाना कि ये भी स्वप्न तरह, स्वप्न की तरह मेरे से ही आया, सभी कुछ बाहर कुछ भी नहीं, इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा, मुझको ये स्वप्न दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो रियल में कोई कुछ चीज़ हो नहीं रही है आपके शरीर में, आपके मन में, आप भीतर से स्वप्न देख रहे हो और मान रहे हो कि आपको हो रहा। इसलिए बहुत सारे आदमी जो बीमार नहीं है बीमार होकर बैठे हो, जिन्होंने मान लिया कि मैं बीमार हूँ, और बहुत ऐसे लोग मर गए जिन्होंने मान लिया कि उसको कोरोना लग गया, बहुत सारे लोग उन्होंने मान लिया कोरोना लग गया और व्याख्या कर लिया, भीतर से स्वप्न देख लिया आपने, तो खुद उसका लक्षण क्रिएट करने लगा अपने ही भीतर, तो लक्षण भी दिखाई दे दिए, तो भीतर स्वप्न पैदा हो गया, स्वप्न में उसको लगने लगा कि उसको हो गया। तो जो भी हम अनुभव करते हैं पीड़ा का, दुख का, बंधन का, ये सब अनुभव क्या ऐसे ही अनुभव नहीं जैसे रात में स्वप्न में हमको पीड़ा का अनुभव होता था? ये बात रहस्यपूर्ण है, इसको जान लिया तो ये बड़ा रहस्य बन गया। तो आपको फिर अभी जो अनुभव हो रहा है दुख दर्द इत्यादि का, उस अनुभव को आप जानेंगे कि वो भी एक स्वप्न ही है, कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, न दर्द का अनुभव हो रहा है, न सुख का, न दुख का, केवल शांति का, आनंद का, शून्य का अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभव आप कर रहे हो तो फिर आप किसी तीसरे स्थिति में जग गए, आप साक्षी की तुरीय अवस्था में आप पहुंच गए, तो उस तुरीय अवस्था में पहुंचना ही उसी को कहते हैं वो मुक्ति का अनुभव है। तो आपने, आप स्वप्न से जग गए, बस इतना ही, स्वप्न से जगना है, और जो भी हम अनुभव कर रहे हैं स्वप्न है, इसलिए दिक्कत की बात कोई नहीं, आपको जितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो ये स्वप्न में ही हो रहा है, तो ये बड़ी घटना आपके भीतर घट नहीं रही, आप मान रहे हो इसको बड़ा, मगर आप अगर जग जाओ तो ये बड़ी सी बड़ी पीड़ा भी गायब हो जाएगी। जैसे रात स्वप्न में आप बहुत पीड़ित हो रहे थे, बहुत पीड़ा आपको था, और सोने के बाद, उठने के बाद, जगने के बाद आप अचानक वो सब पीड़ा से बाहर आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो पीड़ा स्वप्न की पीड़ा थी ना, रियल पीड़ा वो थी नहीं। ऐसी ही हमारी जो भी पीड़ा है शरीर और मन में, वो सब आपको इसी तरह मालूम पड़ेगी जैसे स्वप्न की ये पीड़ा है, तो आप अचानक से इन पीड़ाओं से जग जाएंगे और आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पीड़ा होता। तो ऐसा जीवन का रहस्य मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए कुछ व्यवस्थित तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ प्राइवेट मेडिटेशन और प्रवचन की वीडियोज हैं, वो आपको बहुत मदद कर सकती है। उनको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का नंबर और लिंक दिया है वहाँ पर चैट करें। थैंक यू।